हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा, वही डिटेल के देगा इस चैप्टर को, ठीक है। आप मान लीजिए एक तपस्या कह रहे हो, वो तपस्या एक पैर पे खड़ो के तपस्या कह रहे हो, ठीक है। उसके बाद कई सालों के बाद आपका तपस्या से प्रसन्न होके भगवान आपके पास आते हैं, आपसे पूछते हैं कि बोलो बच्चे क्या चाहिए। आप क्या बोलेंगे कि मुझे भी भगवान बनना, मुझे भी भगवान बना दीजिए। तो भगवान एक टाइम के लिए सोचते हैं चलो ठीक है मैं इसे भगवान बना देता हूँ। तो आप क्या कहते हैं, वो अपना पावर आपको दे देते हैं कि आपके पास भी इक्वल पावर है, एक गॉड के पास जितना पावर है तो उसी वही पावर आपके पास भी रहे। उसके बाद आप क्या करिएगा, अपने हिसाब से एक दुनिया बनाइएगा, ठीक है। अपने हिसाब से अब किसको ह्यूमन बींग्स में बनाना है, किसको एनिमल बनाना है, किसको इंसेक्ट बनाना है, किसको मॉस्किटो बनाना है, वो आपके हाथ में है। मतलब कि पूरी रचना आप कर सकते हैं इस दुनिया की, आपको जैसे चाहिए आप वैसे। आप सोचेंगे कि बादल ऊपर नहीं नीचे रहे, धरती नीचे नहीं ऊपर है, तो सब कुछ आपके हाथ में कंट्रोल आ जाएगा। क्या बोलते हैं, सब कंट्रोल आपके हाथ में, आप जैसा चाहे आप वैसा बचा सकते हैं किसी को, आप जैसा चाहे वैसा किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, आपके पास तो पावर आ गया, तो आपको जैसा मन करेगा, इस कान को हटा के यहाँ लाने का मन करेगा आप ये कर सकते हैं, आंख को निकाल के यहाँ लाने का मन करेगा आप ये कर सकते हैं। मतलब किसी तरह का भी क्रिएचर आप कर सकते हैं, आप क्रिएचर बन गए। तो सेम उसी तरह क्या करता है HTML क्या करता है, आपको पावर देता है। आपके पास एक पावर देगा कि आप किसी भी वेब पेज को, किसी भी वेब पेज या किसी भी वेबसाइट को अपने हिसाब से डिजाइन करिए। क्या करिए, अपने हिसाब से डिजाइन करने का काम करता है कौन, HTML। आपको फेसबुक का पेज दिख रहा होगा, फेसबुक का पेज कैसे डिजाइन किया गया है। उसके बाद आपको इंस्टाग्राम का भी पेज दिख रहा होगा, उस पेज को कैसे डिजाइन किया गया है। उसी तरह आपको कोई पेज मिला, आपको कोई वेब पेज डिजाइन करना है, आपको वेब पेज डिजाइन करना है, तो आप कैसे डिजाइन करेंगे, अपना क्रिएटिविटी आप उसमें दिखाइएगा, किसको किस प्लेस में लाना, कितना स्पेस देना, कितना ब्लॉक बनाना, कितने कॉलम्स देने, कितने थीम देने, क्या क्या करना है, वो सारे आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है वो सब कुछ। तो आप क्या करिएगा, आपको जैसे भी वेब पेज बनाना है, आप मान लीजिए एक वेब पेज में बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई कॉलम है, यहाँ तो पहले वेबसाइट रहेगा, ये आपका वेबसाइट है, उसके बाद यहाँ से जो आपका वेब पेज डिजाइन होगा, ठीक है, यहाँ से कोई लोगो बना दिए आप, ठीक है, कंप्यूटर वॉरियर्स का, यहाँ पर आपका स्टूडेंट नेम का डाल देंगे, ठीक है, नेम यहाँ पर आपका स्टूडेंट नेम रहेगा, अपने हिसाब से कुछ थीम डाल देंगे, ओके, कोई बैकग्राउंड रहेगा, अपने हिसाब से वेब पेज को अगर मुझे डिजाइन करना है तो मैं कुछ इस टाइप से डिजाइन करूंगा, या फिर कुछ इससे भी अच्छा डिजाइन करूंगा, क्रिएटिव डिजाइन करूंगा, कुछ अच्छा डिजाइन बनाऊंगा उसमें। तो यही पावर देने का काम करता है कौन, HTML। कौन क्या पावर देता है, HTML आपको पावर देगा कि आप कोई भी वेब पेज अपने हिसाब से बना सकते हैं। किसी भी वेब पेज को अगर आप बनाना चाहते हैं तो HTML के थ्रू आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोडिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। HTML की आपको कोडिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप इसको डिजाइन कर सकते हो। आपको अगर कोई वेब पेज डिजाइन करना है तो उसके लिए आपको HTML आना ही आना चाहिए, तभी जाके उसको आप कंट्रोल कर पाइएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं HTML क्या होता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML को क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। इसका डेफिनेशन क्या है, HTML इज अ टैग लैंग्वेज। HTML क्या है, एक टैग लैंग्वेज। ये टैग देख रहे हो, ये क्या है, ओपन टैग है, ये क्लोज टैग है, ओके। इसके बीच में ही सारा आपका सेंटेंस रहेगा, ये आपका टैग है। HTML टैग से ही काम होता है, स्टार्टिंग के लिए ओपन टैग और एंडिंग के लिए क्लोज टैग, इसे टैग कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, HTML इज अ टैग लैंग्वेज which provide, क्या provide करता है, which provide a facility to make a web page or website। HTML क्या provide करता है, एक facility provide करता है, web page या website बनाने का facility आपको provide किया जाता है, कि आप अपने हिसाब से कोई web page आप design करना चाहते हो तो आप HTML के through कर सकते हो, ठीक है। और क्या बोलता है, it's all coding written in notepad। ये बहुत बड़ी बात है, इसका जितना भी कोडिंग जो रिटेन होता है, जहां लिखा जाता है, किसमें लिखा जाता है, नोटपैड पे। किस पे, नोटपैड, आपको स्क्रीन पे नोटपैड दिख रहा होगा, ठीक है, ये कुछ एमएस वर्ड टाइप का ही दिखता है, कुछ सिमिलर। तो नोटपैड पे ही जितना वर्क होता है, HTML का सारा वर्क कहां होता है, नोटपैड में, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोला है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोडिंग लैंग्वेज, ये भी कोडिंग लैंग्वेज है, जैसे कि सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, जावा है, पाइथन है, उसी तरह HTML भी एक कोडिंग लैंग्वेज है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वेब पेज बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपने दिमाग लगाकर आप इसको क्रिएट कर सकते हो। HTML के बारे में हम लोग समझिए कि HTML क्या होता है, किसे कहते हैं, लेकिन HTML कहाँ वर्क करता है, नोटपैड में।
अब नोटपैड में वर्क करता है तो हमको ये जानना पड़ेगा कि नोटपैड हमको कहाँ से मिलेगा, कैसे इसको ओपन करेंगे ये। लेकिन पहले स्टार्टिंग वीडियो में बता चुका हूँ, जब मैं नोटपैड पढ़ा रहा था कि नोटपैड कैसे ओपन करते हैं, नोटपैड में कैसे वर्क किया जाता है, सब कुछ बताया हुआ है। लेकिन फिर से मैं आपको एक रिविजन कराता हूँ। अगर आपको नोटपैड ओपन करना है HTML लैंग्वेज लिखने के लिए तो आप क्या करेंगे, आइए देखते हैं स्टेप स्टेप्स टू ओपन नोटपैड। नोटपैड ओपन करने के लिए क्या स्टेप है, फर्स्ट कहाँ जाएंगे, गो टू स्टार्ट बटन, विंडोज 7 के स्टार्ट बटन में जाएंगे, स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, ठीक है, कुछ विंडोज टाइप का रहता है उस पर क्लिक करते ही नाउ चूज ऑन ओल्ड प्रोग्राम ऑप्शन, किसमें चूज करेंगे, ऑल प्रोग्राम ऑप्शन में, ओल्ड प्रोग्राम ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा उसमें आप चूज करेंगे। चूज करने के बाद क्या करिएगा, देन चूज ऑन एसोसरीज कमांड, किस पे चूज करिएगा, एसोसरीज कमांड पे, एसोसरीज कमांड पे चूज करते ही क्या होगा, नाउ चूज ऑन नोटपैड, जब एसोसरीज कमांड पे आप चूज करिएगा तो आपको वहां पर एक नोटपैड का कॉलम दिखेगा, नोटपैड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करते ही, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे क्या होगा, नोटपैड ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नोटपैड ओपन हो जाएगा। और नोटपैड ओपन होते ही एज रिजल्ट नोटपैड एप्लीकेशन विल बी ओपन, नोटपैड ओपन होते ही आप अपना काम कर सकते हैं, HTML का जो कोडिंग होगा वो नोटपैड में आप कर सकते हैं। जिस टाइप से भी आपको डिजाइन करना है तो उस टाइप से आप कोडिंग लिखिए, उसके बाद उसको सेव करिए, उसके बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं वेब पेज क्रिएटिंग में, जिससे आपका वेब पेज क्रिएट हो जाए। यहां तक तो हम लोग समझ गए। अब बात आता है, ठीक है सर, लोग नोटपैड ओपन करना सीख गए, नोटपैड में वर्क करना सीख गए, लेकिन अब उसको सेव कैसे करना है, ये बहुत जरूरी बात है, उसको सेव कैसे करना है। मान लीजिए हम लोग नोटपैड में वर्क करें, ठीक है, नोटपैड में हम लोग काम किए, नोटपैड में हम लोग काम करते कहते ये काम हो गया मेरा, ठीक है। अब इसको सेव करना है, सेव करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ मेनू में जाके इसको सेव कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल कंट्रोल प्लस एस से भी उसको सेव कर सकते हैं। सेव करने टाइम क्या करना पड़ेगा हमको, सेव करने टाइम हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी हमारा वेब पेज का नाम रहेगा उसका वेब पेज का नाम लिखेंगे, जो भी हमारा वेब पेज का नाम रहेगा उसको लिखने के बाद उसके बाद सफिक्स में हम लोग क्या पुट करेंगे, सफिक्स में हम लोग .html ये बहुत मेन बात है कि हम लोग क्या करें, जब भी किसी फाइल HTML फाइल को अगर मुझे सेव करना है नोटपैड में तो क्या करेंगे, जो भी फाइल का नेम होगा उसको उसके बाद .html ये सफिक्स है, .html वो सफिक्स है। जैसे कि क्या, अगर कोई इमेज हम लोग सेव करते हैं तो उसका सफिक्स क्या होता है .jpg, ठीक है, इमेज का सफिक्स क्या होता है .jpg, और क्या एक PDF का सफिक्स क्या होता है .pdf, जो भी PDF का नाम होगा वो उसका .pdf वो उसका सफिक्स होता है, ठीक है। इसी तरह वेब पेज का भी सफिक्स होता है, जो HTML का कोडिंग हम लोग जिसपे करते हैं नोटपैड पे, उसको सेव करने के लिए, उसको HTML में कन्वर्ट करने के लिए, उसको वेब पेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं .html सफिक्स में लगाते हैं, मतलब लास्ट में लगाते हैं, लास्ट में लगाने के बाद उसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को क्रोम में, गूगल क्रोम में, या फिर कोई भी इंटरनेट ब्राउजर में जाके इसको ओपन करते हैं, जिस फाइल को हम लोग सेव किए हैं जिस भी फोल्डर में, उस फोल्डर में जाके उस फाइल को क्लिक करते हैं और किसी भी इंटरनेट ब्राउजर से उसको ओपन करने का कोशिश करते हैं। ओपन करते ही क्या होगा, जिस टाइप का कोडिंग किए होंगे, जिस टाइप का कोडिंग किए होंगे उस टाइप का आपका वेब पेज बन के तैयार हो जाएगा। जिस किसी भी टाइप का कोडिंग किए होंगे उस टाइप का आपका वेब पेज, आपका वेब पेज जो खुद से आप क्रिएट किए हो वो बन के तैयार हो जाएगा। तो इस टाइप से एक वेब पेज बनता है। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग लेक्चर था कि क्या HTML होता है, कैसे नोटपैड ओपन होता है, कैसे HTML को सेव किया जाता है। अब धीरे धीरे हम लोग सारा स्टेप पढ़ेंगे, सारा टैग्स पढ़ेंगे, कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे कोडिंग किया जाता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे धीरे धीरे। आते हुए वीडियो लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद सब धीरे धीरे सब कुछ आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे इसको पढ़ना है, कैसे कैसे आगे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आज तक आज के लिए इतना ही, और थैंक यू देखने के लिए।